देखिए, पहले जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो कि एक अनथिंकेबल चीज़ थी, अब वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होती जा रही है, क्योंकि लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उसकी जो विकेट है 2019 के लिए वो काफ़ी ट्रेचरस हो गई है। देखिए, लोकनीति CSDS ABP ने एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे पब्लिश किया था, 2-3 हफ्ते पहले पब्लिश हुआ है, और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो कई तो काफ़ी हैरान करने वाली हैं, काफ़ी कॉन्ट्रेरियन है। एक तो है कि जो मोदी सरकार है आज वो उतनी ही अनपॉपुलर है जितनी की यूपीए सरकार होती थी जुलाई 2013 में, और आपको ध्यान होगा कि उसके 9 महीने बाद ही कितनी बुरी तरह वो सरकार हारी थी, क्योंकि आज ये सर्वे दिखाता है कि 47% जो लोग हैं 15,859 रिस्पोंडेंट्स में से, उनका ओपिनियन ये है कि मोदी सरकार को एक और चांस नहीं देना चाहिए। माइनॉरिटीज़ जो हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, सिख्स हों, वो तो बिल्कुल ही सरकार के अगेंस्ट है, लेकिन जो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है वो भी आधी आधी बटी हुई है अपनी सपोर्ट और अपने ऑपोजिशन में सरकार की। और अगर आप पिछले 12 महीने में देखें तो ये जो बीजेपी की सरकार है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो 7 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है, और सर्वे कहता है कि अगर यही डिक्लाइनिंग ट्रेंड चलता रहा तो शायद रूलिंग पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो 30% का मार्क, जो है कि बहुत क्रिटिकल मार्क है, 30% के मार्क से नीचे आ सकती है। और अगर आप उधर कांग्रेस की स्थिति देखिए तो सर्वे दिखाता है कि 4 में से 1 वोटर 25% जो वोटर है वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, और अगर हम यूपीए पुराना जो यूपीए का गठबंधन है उसको देखें तो उनको करीब 31% वोट मिल रहा है पूरे देश में। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये जो नया गठबंधन बन रहा है, जैसे कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, या HD देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर है, अब ये जो कांग्रेस के साथ जुड़ गई हैं, तो ये 11 परसेंटेज पॉइंट्स और लाती हैं उस यूपीए की टैली में, तो उनको इस सर्वे के मुताबिक 42-43% वोट मिल रहा है, जो कि बहुत ही निर्णायक हो सकता है। देखिए, जब मैंने ये सर्वे रिपोर्ट पढ़ी तो मैं अपने आप से एक सवाल करता रहा कि ये तो सर्वे है, कोई इस तरह का स्टडी की जा सकती है क्या, इस तरह का डेटा मिल सकता है जो कि रियल हो, जो कि इंपेरिकल हो, जिससे कि मैं करेक्ट निष्कर्ष निकाल पाए। तभी मुझे ध्यान आया कि देखिए, जनवरी से हमारे देश में इतने ज्यादा बाय इलेक्शन हुए हैं और ये पूरे देश में स्कैटर्ड है, अगर ये इनका जो रियल वोटिंग डेटा है क्या उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ CSDS की पोल डेटा के साथ, क्या वो एक दूसरे से मेल खाते हैं? देखिए, गुजरात असेंबली इलेक्शन जो कि दिसंबर 2017 में हुई, उनके बाद हमारे देश में 10 पार्लियामेंट्री और 21 असेंबली बाय इलेक्शन हुई हैं, जो कि जैसे मैंने कहा कि 15 स्टेट्स में स्प्रेड आउट है, जिनमें 1.25 करोड़ लोगों ने अपना वोट डाला है, 1.25 करोड़ लोगों ने, और कम से कम 19 मटेरियल सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये वोट पड़ा है। देखिए, जब हमने इस डेटा को एक्चुअली एग्रीगेट करा और उसके निष्कर्ष और जो उसकी जो फाइंडिंग्स देखी तो एकदम वाओ हमारे हमसे निकला, क्योंकि बहुत ही सरप्राइजिंग टोटल कॉन्फ्लुएंस था, एक परफेक्ट मैच था डेटा में, जो कि असेंबली इलेक्शन का एक्चुअल वोटिंग डेटा है और जो CSDS का सर्वे परसेंटेज है। ये ऑलमोस्ट स्पूकी था, इतना परफेक्ट मैच है। देखिए, बीजेपी और उनके एलाइज को सर्वे में 37% वोट मिले, और जो एक्चुअल वोटिंग हुई है पिछले 6 महीने में देश में, उसमें उन्हें 36% एक्चुअल वोट मिला है। कांग्रेस और एलाइज को अगर हम देखें तो उनको 31% वोट मिला था सर्वे में, और एक्चुअल वोट में उनको 32%, ऑलमोस्ट टोटल मैच। और अगर BSP प्लस एलाइज को देखें तो उनको सर्वे में 10% वोट मिल रहा था, लेकिन उनका जो एक्चुअल वोट पिछले 6 महीने में आया है वो 13.3% आया है। तो ये बहुत ही एक सेंट परसेंट वैलिडेशन सर्वे का डेटा का हो जाता है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि अब जो सर्वे में जो छोटी छोटी फाइंडिंग्स थी, जो ग्रैनुलर प्रिडिक्शंस थी, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, अब उनमें हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उसमें हम ज़्यादा कि उसमें ज़्यादा सच्चाई हो सकती है। तो देखिए, वो ग्रैनुलर प्रिडिक्शंस क्या है। मोदी जी जो हैं, उनकी जो लीड है राहुल गांधी पे वो काफ़ी कम हो गई है। पहले वो 17 परसेंटेज पॉइंट होती थी, 17 परसेंटेज पॉइंट होती थी, अब वो गिर के सिर्फ 10 परसेंटेज पॉइंट रह गई है। और ये देखिए, 43% लोग हैं जो मोदी जी को भी पसंद करते हैं और राहुल गांधी को भी पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि कम लोग राहुल गांधी को डिसलाइक करते हैं, तो राहुल गांधी की जो नेट लाइकेबिलिटी है वो एक्चुअली
मोदी जी से हायर है, बेटर है। अब आप ये भी देखिए कि पिछले 6 महीने में राहुल गांधी ने अपने जो 30% जो लोग उनके अगेंस्ट थे, जो कहते हैं कि नहीं हमें राहुल गांधी पसंद नहीं है, 30% को कन्वर्ट कर लिया है, अब वो उनके सपोर्टर बन गए हैं। और दूसरी तरफ देखें तो मोदी जी के जो सपोर्टर थे उनमें से 35% ऐसे हैं जो अब उनके अपोनेंट बन गए हैं। और आप देखें कि राहुल गांधी का जो बिगेस्ट गेन आ रहा है वो मिडिल एज्ड और एल्डरली लोगों से आ रहा है, और देखिए ये लोग यही लोग होते हैं जो ज़्यादा जाके वोट भी करते हैं। मोदी जी का जो फॉल आ रहा है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है मिडिल और लोअर क्लास वोटर्स में। और अब जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात कि 60% लोग कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट इज करप्ट, और इनमें से 50% लोगों ने नीरव मोदी के स्कैम के बारे में सुना है, जिसमें से 2/3 कहते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने नीरव मोदी स्कैम को हैंडल करा है उससे वो लोग खुश नहीं है। एक और चीज जो किसान है, जो फार्मर है, रैपिडली मोदी जी की सरकार के अगेंस्ट हो रहा है। पिछले एक साल में 12 percentage points का घाटा हुआ है मोदी जी की सपोर्ट में फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से। ज्यादातर ये जो गेन आ रहे हैं ये कांग्रेस को इतने ज्यादा नहीं जा रहे हैं, ये नॉन कांग्रेस रीजनल पार्टीज को जो है फार्मर ज्यादा सपोर्ट दे रहा है। जीएसटी को देख लीजिए, ये तो अब लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ हो गई है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि इसकी अनपॉपुलैरिटी जनवरी में 24% थी, लेकिन वो बढ़ के मई में 40% हो गई है। और जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, जिसको मैं कहूँगा कि इम्पॉसिबल टू फैदम, इम्पॉसिबल टू बिलीव है, लेकिन सर्वे ये दिखाता है कि अब एक भी ऐसा इशू नहीं है जिसमें मोदी सरकार की जो रेटिंग है वो पॉजिटिव हो। तो इसका जो नेट क्या निष्कर्ष निकाला जाए इस सर्वे का, हमारे एक्चुअल वोटिंग डेटा का, जो कि सर्वे को पूरी तरह से वैलिडेट करता है, इसका नेट एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2019 का जो अब लोकसभा का चुनाव है वो वाइड ओपन है।